ये बात बताओ, डग आउट तो चलो फिर भी मैं कहती हूँ कि बहुत ही बुरी हरकत थी, लेकिन फिर भी ये जब टीम प्लानिंग कर रही होती है, खड़ी होती है वहां पर, सब आप जो अपनी पुरानी यादें ताजा करें, फ्लैशबैक्स में जा रहे हैं, बात तो किसी भी को ये देखना चाहिए ना, ये एक्शन लेना चाहिए। ताने, अच्छा टीम वो खेल के आती, ताने हमें सुनने, ताने तुम नहीं मैं सुनती हूँ, वही ना एक ही बात, इसको कोई कुछ नहीं कहता, ये भी मेरे साथ होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द सिबलिंग स्क्वाड स्टोरीज, उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। सुनाए अमना आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ मैं। गाइस हम ना ये जो भी पाक वर्सेस इंडिया हमने डाला था लेटेस्ट, जो लेजेंड्स के दरमियान हुआ था, उसके बाद हम बिल्कुल गायब हो गए थे। कोशिश कर रहे थे एक्टिव रहने की, लेकिन एक तो गर्मी की वजह से दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन दिल नहीं कर रहा था, दूसरा कि हमें करना पड़ा, क्योंकि जो हमारे मुल्क में आजकल ड्रामे चल रहे हैं और जो हमारे मुल्क में सारे क्या कहते हैं सियासतें चल रही है, एक इधर से आगे एंट्री दे रहे हैं, उधर से आगे ड्रामा चल रहा है पूरा, किसी को निकाल रहे, किसी को डाल रहे, किसी की कुर्सी ले रहे हैं, किसी को कुर्सी की पड़ी है, बोल रहे हैं इसको इधर से आके बोल रहे, उधर से आके बोल रहे, निकाला तो खैर है इस फिलहाल दो बंदों को, है ना। लेकिन ऐसा है कि मुल्क में अजीब और गरीब बातें, क्रिकेट टीम को हमारे बोर्ड में, हाँ मतलब क्रिकेट टीम को इन्होंने सर्कस बना, बोर्ड बनाया हुआ है, बोर्ड ना मतलब मुझे यकीन हो गया सर्कस है कोई, यहाँ पे हर दो दिन बाद मेला लग रहा है और सारे ना हमारे प्लेयर्स को नचाते हैं ये बीच में जी, पता नहीं या तो ये खुद रात को बैठ के अज्यूम करते हैं कि सुबह उठेंगे ना तो फिर ये बात करेंगे, सुबह उठेंगे तो नया टेस्ट ट्विस्ट लेके आते हैं पीसीबी में, अवाम को पागल करेंगे और प्लेयर्स को बर्बाद करेंगे। वहाब रियाज और अब्दुल रजाक को जी उनसे जो उनकी कुर्सी है वो ले ली। अच्छा एक बात मैं इधर कहना चाहती हूँ, वर्ल्ड कप को खत्म हुआ कितना टाइम हो गया और पाकिस्तान को वापस आए हुए कितना टाइम हो गया, ठीक है। पहली बात, जब वहाब रियाज को हटाया, अब्दुल रजाक को हटाया, ठीक है, तो फौरन सारों के जो है ना बातें निकल, उस वक्त क्यों निकलना शुरू हुई है, उससे पहले क्यों नहीं शिकायत की गई, कंप्लेन की गई कि ये शाहीन नहीं सुन रहा था, इमाद वसीम नहीं सुन रहा था, इफ्तिखार नहीं सुन रहा था, पहले तो इन लोगों ने किसी का नाम ही नहीं लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मोहसिन नकवी साहब का सुना कि जिसने ग्रुपिंग की हुई है उस बंदे को हम सामने लेके आएंगे सोशल मीडिया के, ठीक है। ग्रुपिंग एक बंदे की तो नहीं हो सकती ना, तो फिर एक बंदे का नाम सिर्फ क्यों? खैर मैं तो वैसे ये तो खैर सपोर्ट, ये तो कह रही है कि यार सबके सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार कैसे एक इंसान कर सकता है, बट कैसे नहीं, मैं शाहीन को दोष कभी भी नहीं देती, मैंने ना मैंने तुम्हें भी पहले कहा और मैंने ये जिन जिनसे मैंने बात की मैंने उन्हें कहा कि मैं शाहीन को पूरा इल्ज़ाम नहीं देती, मैं इल्ज़ाम देती हूँ शाहिद आफरीदी को। 19 में तो नया नया आया था, 21 और 22 कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी इसकी, और क्यों नहीं उस वक्त इसके, उस वक्त किसी ने शाहीन पे नाम क्यों उठाया कि ये ग्रुपिंग कर सकता है, उस वक्त किसी ने क्यों नहीं कुछ कहा, जब ये कैप्टन बन, जब हुकूमत भी चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गई, साफ सी बात है हुकूमत चेंज हुई, चेयरमैन चेंज हुए, इतने चेंज हुए उसके बाद ये इल्ज़ाम आया, खैर ये तो सियासत थी ये। और दूसरी चीज़ कि मैंने एक शाहिद अफरीदी में एक चीज़ नोट किया, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, ही इज़ रियली गुड प्लेयर, मेरी इंग्लिश पजल, ही इज़ रियली गुड प्लेयर, बट लेकिन वो मैंने उसको देखा कि वो एक जगह पे अलग बात करते हैं, दूसरी जगह पे अलग बात करते हैं, एक जगह अबर को कहेगा कि मैं उसको समझाता हूँ, मैं उसको यूं करता हूँ, दूसरी जगह उसी को बुरा बोलेगा, सामने कहता है कि मैंने शाहीन को मना किया था कि कैप्टेंसी नहीं लेनी, और पीठ पीछे ये सब बातें ये निकलती हैं कि लाला ने ही शाहीन को कैप्टन लगवाया था, मतलब खुद नहीं समझ आता कि ये करना क्या चाह रहा है, और उसका भी टैलेंट जाया कर रहा है, जब तक मुझे तो ऐसा लग रहा है जब तक शाहीन को ये बाहर नहीं करवाएगा ना लाला को, तब तक सुकून नहीं आएगा, ऐसा लगता है कि लाला अगर उसको गाइड कर भी रहा है ना तो अब जो है ना उसके करियर का वो कर रहा है, मतलब उसको बर्बाद करे, क्योंकि जिस टाइम पे लाला था उस टाइम सिचुएशन जोर थी, ठीक है, जिस तरह से वो चला रहे हैं मुझे नहीं लगता है बर्बाद हो रही है। मैं यही कहती हूँ कि जिस टीम में यूनिटी होती है वो जीतती है, जब हमारी टीम में यूनिटी थी ना हमें किसी का भाप भी नहीं हरा पा रहा था, हम ये जीतते जब सियासत के बीच में है ना, हमारी यूनिटी टॉप पे कब थी, 2021 में हमारी यूनिटी टॉप पर थी, हम सब कह रहे थे कि इनकी टीम में यूनिटी है तब जीत रहे हैं, हम लगातार जीतते हुए गए थे, लगातार हम सेमीफाइनल में जाके हारे, हम 20 उसके बाद भी हमारी बहुत अच्छी टीम थी, बहुत अच्छी गई, शाहीन इंजर्ड हुआ, नसीम आया, नसीम ने भी अच्छा संभाल लिया। तुमने एक और चीज़ सुनी है कि जी शाहीन साहब जो 21 का वर्ल्ड कप है, 22 का वर्ल्ड कप जो था उसमें वो जान के इंजर्ड हो गया था, लाइक ये तो खैर झूठ है, ये तो बकवास है, ठीक है। वैसे मैं ये नहीं कहती, मैं शाहीन को गलत नहीं करती, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर उसने ग्रुपिंग किया तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर आप किसी की बात में भी आकर कर रहे हो तो आपका ये चीज़ चलती है, आपको अल्लाह ने ये चीज़ दी है ना, आप इसको यूज़ करो। आई डोंट नो यार, मुझे अल्लाह की कसम मुझे यकीन नहीं आ रहा, जिस तरह मैं बाबर और शाहीन को साथ देखती हूँ, मतलब वो जैसे एक दूसरे के लिए एक रिस्पेक्ट का उनका होता है,
क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैंने कर दिया कैमरे में. क्या किया तुमने? वो कैमरे में तुम बाद में देख लो. कौन है ये लोग? लेकिन मैं तुम्हें मारूंगी यार. ये जिस वक्त से टोक रही है कि तुम शाइन को क्यों फजूल में वो कर रही हो. मैं भी कर रही हूँ. मैं कह रही हूँ कि मैं शाइन को कहती हूँ कि मेरी बात सुन. पहले तू मेरी बात सुन. देख, मैं जब तक बाबर की स्टेटमेंट नहीं आती मैं शाइन को सपोर्ट कर रही हूँ. बाबर स्टेटमेंट देगा अगर उसने. पहले तू मेरी बात सुन. बाबर 23 का वर्ल्ड कप खेल के आया, ठीक है? वर्ल्ड कप खेल के आया वो. 23 में उसने वैसे शाइन ने बड़ी गंदी परफॉर्मेंस की थी. शादाब ने गंदी की थी, सब गंदी. हारिस ने गंदी का सब सब नहीं किया. बाबर के कोई नहीं परफॉर्म किया. हां परफॉर्म कर रहे थे. बाबर वापस आया, हम सब ने बाबर को सपोर्ट किया कि जी बाबर कर रहा था, उसकी एफर्ट्स नजर आ रही थी हमें. लेकिन किसी ने मार जो हेटर्स थे वो प्रॉपर कह रहे थे बाबर को कैप्टनसी से हटाया जाए. अबे हेटर्स की सुनता कौन है? उनको तो कोई गलत नहीं. दूसरी तरफ मैं ये नहीं कह रही हेटर्स, ये आवाम नहीं कह रही मैं हेटर्स. एक बंदे जिनका नाम होता है, ठीक है, वो हेट दे रहे होते हैं जिनकी स्टेटमेंट्स मैटर करती हैं. मैं उनकी बात कर रही हूं. ये आप शिवजट की बात कर रहे हैं? बहुत तेज हो रहा है. और भी बहुत सारे हैं. शिवजट की स्टेटमेंट तो मैटर नहीं करती. वो तो रोज हर कोई दूसरे दिन कोई ऐसी बात डालता है जिसको कोई वही नहीं करता. सिर्फ मेरे अलावा मैं ही बेइज्जत करती रहती हूँ उसे. अबर को पूरा गंदा करने की इन्होंने प्रॉपर कोशिश किया किया लेकिन अल्लाह ने उसको इज्जत दी. ये साफ सी बात है. और इसके जो फैंस है ना यार, ऑल ओवर पाकिस्तान और बाहर भी, ठीक है, बाबर के पीछे वो लोग अच्छे बड़े जिनकी स्टेटमेंट्स मैटर करती हैं बाबर के, वो फैंस हैं. ऐसे हैं फैंस. शाहीन करे ना करे लेकिन शाहीन पे एक धब्बा जरूर है कि वो लाला का दामाद है. लोग वो कुछ भी करे, अच्छी परफॉर्मेंस करे तो लाला का दामाद है. लाला का दामाद है और बुरी परफॉर्मेंस करे तो लाला का दामाद है. लाला ने उसके साथ अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो कहा जाता है कि ये इसका ससुर शाहिद अफरीदी है. इस तरह बोला जाता है, इस उसमें बोला जाता है. यही मैं कह रही हूँ. लेकिन जब बुरी परफॉर्मेंस करता है और जब फिर भी टीम में रहता है तो लोग कहते हैं लाला का दामाद है. हाँ. कहती हूँ मुझे ग्रुपिंग का उसका थोड़ा लगता है कि यार देखो माम जी वो इतना बुरा बॉलर नहीं है. आपसे जो बात है, 24 के वर्ल्ड कप में नसीब के अलावा मुझे नहीं लगता कोई दिल से पाकिस्तान के लिए खेल रहा था. साफ सी जो बात है, बहुत होगी है, बस इसी इस तरह ही खुश करना चाहिए. नहीं, जोक्स अपार्ट, मैं मजाक कर नहीं कर रही. लेकिन सच्ची बात बताऊं, अगर जब तक बाबर आजम की कोई स्टेटमेंट नहीं आती ना इस बात के खिलाफ, मैं शाहीन के साथ हूँ. लेकिन देखो ग्रुपिंग किया ना तो ग्रुपिंग के साथ वालों के नाम भी लो. अकेले शाहीन का नाम ये तो फिर इंसाफ करो ना, इंसाफ करो. अकेले बंदे की ग्रुपिंग हो ही नहीं सकती. इंसाफ करो. शाहीन ने साथ इफ्तिखार का नाम ले रहा है, कोई इफ्तिखार ले रहा है, कोई यार जो है ना किसी भी के बंदों में से किसी ने सिर्फ शाहीन का ही नाम लिया. क्या ये खुद से? तो खैर हम मैं कह सकती हूँ कि इमाद, अगर इस समय बैठी हूँ मैं बोलूँ इमाद वसीम वाकई ऐसा लग रहा था कि कोई अकेला बंदा तो ग्रुपिंग नहीं कर सकता ना. कोई अगर इफ्तिखार का हम कहते हैं ना इफ्तिखार हो सकता है, कौन है, इमाद हो सकता है, हारिस हो सकता है, तो किसी का नाम तो लो. अगर उसने ग्रुपिंग किया तो अकेला बंदा. और अगर इस तरह इंसान लोग तो रिजवान का भी नाम ले रहे हैं, हमें लगता है कि रिजवान बाबर के धोखा दे सकता है. मतलब हमें तो नहीं लगता कि रिजवान धोखा दे सकता है. हमारे ये वर्ल्ड कप के मैचेस इस तरह के थे कि एक बंदा अगर बुरा भी खेले ना तो कुछ नहीं फर्क पड़ता कि हम इतने करीब करीब से हारे हैं. और एक और चीज निकली है, बल्कि तुझे पता है शाइन बैन हो रहा है. नहीं, आखिरी ओवर यूएसए वाले में सुपर ओवर अजहर महमूद ने आमिर को दिया था. उसी वक्त हमने याद था, उस वक्त ही हम जिक्र ना, मैं मुकद्दस और आमना बैठे हुए और मतलब सभी बैठ के मैच देख रहे थे. और हमने कहा नहीं वो बात नहीं है नसीब नहीं वहाँ. तो मैं तो कहती हूँ आशादाब को लगा देते तो वो ओवर करा जाता. अभी 11 खा लेता. चलो एक ओवर में एटलीस्ट 20 तो ना खाता यार. मतलब 20 स्कोर एक ओवर में. कहते हैं कि वो जी बाबर नसीम को देना चाह रहा था. और वो यार तू जिस मर्जी को देता, तू चाचू को दे देता. तू चाचू को, मैं मानती हूँ तू चाचू को, तू इमाद को दे देता. चल खैर है, तूने आमिर को, आमिर ने बीच में 3 वर्डे फेंक दिए भाई. लेकिन नो डाउट, चलो वहाँ हो गया गलती, आमिर परफॉर्म कर गया, बेटर कर गया, ठीक है यार, कर गया. इंडिया में उसने इतनी अच्छी, इंडिया के खिलाफ उसने इतनी अच्छी बॉलिंग की. पागल औरत, इंडिया में यूएसए से जीत जाते ना अभी हम भी सुपर 8 में होते. इतना ताने, यही तो बात है, यही तो बात है. ताने, अच्छा टीम वो खेल के आती, ताने हमें सुनने. ताने तुम नहीं, मैं सुनती हूँ. एक ही बात, इसको कोई कुछ नहीं कहता. ये भी मेरे साथ होती है. मैं ही क्यों आखिर गाइस, मैं ही क्यों? मुझे सच्ची बताइए, अपने दिल से बताओ तुम. मैं ऑफ कैमरा क्या बोलती हूँ? मैं इंडिया डिजर्विंग है कहती है. ये सिर्फ कैमरा में शक्ल मेरा लगाते हो. ऑब्वियसली एक राइवलरी रखेंगे तो मजा आएगा ना. अब राइवलरी नहीं रखेंगे. मैं कह दूं जी क्या, इंडिया वाले हमारे भाई, मतलब बेशक है बहुत अच्छे हैं,
बट वो राइवलरी नहीं रखेंगे तो व्लॉग क्या ही होगा। मैं अगर जी कह दूं कि नहीं मैं तो इंडिया के साथ तुम्हें पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करती, तुम लोगों को खुद मजा नहीं आएगा। सच्ची मैं दिल से कहती हूँ, मैं इसको पीठ पीछे ही कहती हूँ कि यार देख इंडिया डिजर्विंग था, वो अच्छा जीत कर गया। अब जरा इस पर भी बात की जाए कि जो शाहीन को बैन करने की जो न्यूज, अगर लाला ने वाकई ऐसा किया है ना शाहीन के साथ तो एक साल बैन करो। लाला को भी अकल है और शाहीन साहब को भी अकल है कि हर लुले पंचे की बात सुन के ना यूं नहीं करना पड़ता। मैं यही बात करती हूँ कि अगर ये बात सच है तो सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर भाई नहीं हमारा बहुत अच्छा बॉलर है, नहीं ये वो, कोई अच्छा बॉलर कोई लाडो में रखने की जरूरत है। इसलिए इस टीम को बहुत लाड मिला, फाइनली वक्त है कि इस टीम को सबक सिखाया जाए। अगर बाबर भी फिक्सिंग का उस पर आया था ना, बाबर ने केस किया, क्यों नहीं मुबशर रहमान ने आगे प्रूफ सिखाए? अगर ऐसा सच होता तो बाबर पे भी आता, आगे सब पर आता। अगर शाहीन के ऊपर ये सिर्फ इल्जाम है तो वो अगले प्रूफ करे ना, उन्होंने बोल दिया अब प्रूफ करे। टीम को क्या हो गया, क्या टीम थी यार, यार देख क्या 21 मतलब एक क्या टीम थी यार 2021 में। हम ना वर्ल्ड कप याद है हम कैसे कोई इंडिया से जो जीते, तो इंडिया से बल्कि हम सबसे जो जीते थे न्यूजीलैंड को उस टाइम ना, उससे पहले उन्होंने आने से मना को अफगानिस्तान को चार छक्के मारे थे। न्यूजीलैंड ने सिर्फ हमें एक दफा मना किया था, उसके बाद हमने उन्हें उनका ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया, ऐसा उनके सिक्योरिटी इश्यूज खत्म किया। हर गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर आते हैं, लिटरली बहुत मिस कर रहे हैं उस टीम को, उस यूनिटी को। और हम जिस तरह एंजॉय करते थे उनके मैचेस, हमें हार जाते थे, बेशक हारते थे लेकिन एक लड़के हारते थे देखने का मजा आता था। लड़के नहीं आ रहे अब लग रहा है जान के आ रहे हैं। इसने मुझे पाकिस्तान से इंडिया वाला कोई लड़के, सिर्फ बॉलर्स ही लड़ रहे थे। बैटर्स तो आगे से टुक, वो आगे से कह रहे ये ले मार चला कर टुक। गाइस स्टे स्ट्रांग, अगर किसी के साथ जाती हो रही है, शाहीन के साथ जाती हो रही है या किसी के साथ, शाहीन ने गलत किया है, शाहीन ने गलत किया तो उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया और उस पर सिर्फ इल्जाम है, अल्लाह पाक ऐसा उन लोगों को मजा चखाओ, ऐसा मजा चखाओ उनको। मैं आपसे क्या क्या कहना चाहती हूँ कि उनके साथ ऐसा सब पैड़ा करो ना, उनको दुनिया के सामने लेकर आओ, उनको लूज मोशन लगे और उनका ना खुले। सेकंड थिंग, अगर आप बाबरियन हो, सच्चे बाबरियन हो, ट्रू बाबरियन हो, तो आपको ये भाई जो लड़कियां ये इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे सारी लगा रही है ना कि आस्तीन का सांप, जब तक आपके अपने जिसको आप जिसके फैन हो ना एडोर करते हो उसकी जब तक स्टेटमेंट नहीं आती, आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आप ये लिखो। अगर आप ट्रू फैन हो, अगर आप ट्रू फैन हो तो आपको पता होगा कि शाहीन बाबर के साथ कितना करता था ऑन द कैमरा, सारी चीजें ये सब तो ऑफ द कैमरा की बातें हो रही है जो आपने अपनी आंखों के सामने देखा हुआ। एटलीस्ट वो तो आपको कि नहीं यार हम शाहीन ऐसा कर ही नहीं सकता। आपने फौरन ही जी स्टोरीज लगाना शुरू कर दी है जी कि आस्तीन का सांप है ये, अब अपनी रीच के लिए अपने प्लेयर की बेइज्जती मत करो। मुझे भी मैंने व्लॉग में बातें बोली है, मैंने एक शाहीन के सपोर्ट में कुछ नहीं लगाया, न मैंने शाहीन के क्या कहते हैं गेस्ट कुछ नहीं लगाया, ना मैंने किसी के गेस्ट कुछ लगाया, ना मैंने वहाब रियाज को कुछ बोला। सबसे ज्यादा तो उसे बोलना चाहिए, वहाब रियाज साहब आपने पहले तो कुछ नहीं बोला, आपने पहले तो अपने मुंह से कुछ नहीं निकाला। जैसे ही आपको सीट से हटाया गया है आप फौरन आपने आके जी मेरे साथ ये हो गया, आपने आके जो अपना दुख पीड़ा शुरू कर दिया कि मेरे साथ तो बड़ी ज्यादती हो गई है। आप ये बताओ, ये मैं हजार दफा बोल चुकी हूँ, आप चीफ सेलेक्टर हो ना, आप ऐसे चीफ सेलेक्टर थे, आप उधर बैठ के क्या कर रहे थे, आप डग आउट में क्या कर रहे थे, आपका डग आउट में क्या काम है? आप चीफ सेलेक्टर हो ना, आप ये प्लेयर्स को आपने सिर्फ सेलेक्ट करना था, आप प्लेयर सेलेक्ट करो, उसके बाद प्लेयर्स अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, उन्होंने वर्ल्ड कप खेलने जाने, आप जो उनके साथ टंग के चले गए, ये बात बताओ। डग आउट तो चलो फिर भी मैं कहती हूँ कि बहुत ही बुरी हरकत थी, लेकिन फिर भी ये जब टीम प्लानिंग कर रही होती है, खड़ी होती है, वहाब रियाज साहब आप जो अपनी पुरानी यादें ताज़ा करें, फ्लैशबैक्स में जा रहे हैं, आपको किसने इजाजत दी है? पहले बात तो पीसीबी को ये देखना चाहिए ना, ये एक्शन लेना चाहिए कि जी चीफ सेलेक्टर है ना वो उधर क्या कर रहा है, उसका चीफ सेलेक्टर का तो अमेरिका में कोई काम नहीं बनता था, आप उधर कर क्या रहे थे? जैसे ही आपको जी चेयर से हटाया तो आप आगे जी कि मेरे साथ तो बड़ी ज्यादती, मेरे साथ मिसबिहेव हुआ है। खैर गाइस हमने यही बात करनी थी और इसने मुझे जबरदस्ती बिठाया, मैं मेरा बिल्कुल दिल नहीं। हाँ, और ये अब उसकी हेक्टिक रूटीन हो गई है आज से, और वो हम आपको बताएंगे आगे जाके जब हमें लगेगा कि ठीक दो तीन अच्छा, मैं खुद ही लगा दूंगी। नहीं, चुपा, मेरा सर में दर्द है, तो मैं फिर आपको साथ साथ बताऊंगी और मिलते हैं आपको गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। हम लोग बहुत नींद आई, मैंने इसको पता बांध के लिटाया, मैं तुम्हें बुखार हो रहा है, तो मैं यही तो उस वक्त बता रही हूँ। गाइस आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, डू लाइक शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़। मम्मा भी अल्लाह का वास्ता मैंने सुना है।